A sum of rupees 300 is divided among P, Q and R in such a way that Q gets rupees 30 more than P and R gets rupees 60 more than Q, then the ratio of their share is okay. तो क्वेश्चन में जो जो बोला है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कर लेते हैं. तो Q बोला है सबसे पहले, Q gets 30 more than P, 30 more than P, ओके. R gets 60 more than Q, R get 60 more than Q, R get 60 more than Q, then the ratio of their share is okay. तो यहाँ पे क्या नहीं दिया है, P नहीं दिया है, तो P को तो P ही मान लेते. तो अब सब में मतलब P as a common निकालते हैं, ओके. तो यहाँ पे तो Q है, तो इसको अभी Q को मैं यहाँ पे 60 plus Q क्या है, Q क्या है मेरा 30 plus P, 30 plus P, ओके. तो क्या हो जाएगा, ये मेरा 60 plus 30 90 प्लस पी. अब मैं आर को क्या मानूंगा, आर को ये नहीं मानूंगा, आर को मानूंगा ये 90 प्लस पी, ओके. क्यू है मेरा कितना 30 प्लस पी, और पी तो मेरा पी है, तो पी प्लस क्यू, पी क्यू आर, क्यू क्या है मेरा 30 प्लस पी, पी प्लस क्यू प्लस आर, आर क्या है मेरा 90 प्लस पी, इक्वल टू कितना है क्वेश्चन में गिवन है 300. अब यहाँ से देखें, P कॉमन आ गया, तो P कॉमन आ गया, तो कितना P है टोटल, 3 P है, इक्वल टू 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 90 प्लस 30 120 उधर जाएगा, 300 माइनस 120 कितना हो जाएगा 180. तो यहाँ से 3 1 जो 3 3 6 18 0, सो P का वैल्यू कितना आया, 60 आया, ओके. P का वैल्यू कितना आया, 60 आया. ऑप्शन में क्वेश्चन में क्या बोला है लास्ट में, देयर रेशियो, तीनों का रेशियो ढूंढना है. तो P, Q, R का रेशियो ढूंढना है. P तो P था, तो P का वैल्यू कितना है, 60, यानी कि 60 इज टू, जीरो को ठीक से लिख देता हूँ, 60 इज टू P, Q, Q क्या है मेरा 30 प्लस P, 30 प्लस P, P यानी कि 60, 60 प्लस 30 90, P, Q, R, R क्या है मेरा 90 प्लस P, 90 प्लस P, P क्या है 60, 60 प्लस 90 कितना हो जाएगा 150, कैंसिल कितने जीरो होगा, 3 2 जो 6, 3 3 जो 9, 3 5 जो 15, 2 इज टू 3 इज टू 5, यानी कि अब तो ये नहीं कटेगा, तो 2 इज टू 3 इज टू 5 कौन सा ऑप्शन में है, 2 इज टू 3 इज टू 5, ऑप्शन नंबर बी. थैंक यू.